एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान शहर के पुलवा छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंची हीना साहब अपने समर्थकों के साथ, साथ में कई महिला वार्ड पार्षद भी रही मौजूद। वार्ड नंबर 30 की पार्षद उर्मिला देवी भी उनके साथ रही मौजूद। देख सकते हैं कई वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कमियां पाई गई सभी बातों को हीना साहब ने बताया। तो देख सकते हैं कि तमाम अपने समर्थकों के साथ हीना साहब सिवान शहर के छठ घाट पे निरीक्षण करने पहुंची हुई हैं और व्यवस्था के बारे में जानकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। ये तो नॉर्मल है, उखड़ जाता है। हर साल इसे बनाए जाते हैं। जनता के सेवक जब लंबा मैडम खर्चा होता है हर साल सफाई कराने में, अगर बन जाएगा तो फिर लंबा खर्चा सरकार के लिए होगा, फिर नगर परिषद की। और नहीं नहीं देखिए, बनने के बाद भी कंटिन्यू उसका मेंटेनेंस चाहिए, कैसे नहीं होगा। सब कुछ वो फाइनली होने के बाद भी इसमें मेंटेनेंस के लिए बहुत कमियां है इसमें। जी, इसमें तो मानिए कि नगर पार्षद की तरफ से और प्रशासन और नेतागढ़ की तरफ से एक बहुत अच्छी एक कमेटी बननी चाहिए। एक कमेटी बना के ये फंड होना चाहिए, फंड से हमेशा इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। वासियों से छठ में क्या शुभकामना देना चाहेंगे? जी, हार्दिक शुभकामना है छठ आस्था का पर्व है। मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि ये लोग जो साफ सफाई और आस्था का जो पर्व है उसके लिए मैं चाहती हूँ लंबी उम्र तक ये लोग सब पर्व करें। व्यवस्था उतना ठीक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। कोशिश तो बहुत हुई है लेकिन हुई नहीं। टेंडर जिस तरह दिलाया है उस तरह काम नहीं हुआ है। लाखों रुपए खर्चे होते हैं हर साल। बिल्कुल हाँ। लेकिन उसमें कोई मतलब अभी दिख नहीं रहा। मैडम तो ठीक ही बोल रही है। कब क्या व्यवस्था सही होनी चाहिए? बिल्कुल जैसे मैम ने बताया, वॉशरूम जो कपड़े चेंज करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो बिल्कुल बहुत जरूरी, सबसे जरूरी। कचरे में हम अर्घ देंगे महिलाएं या पुरुष देंगे तो कचरे से तो बीमारी फैलेगी। नदी में शीशा उसका 20 लाख से ऊपर लगा है, सफाई में 20 लाख से ऊपर लग चुका है। अच्छा, कुछ होते हैं जब सारे घर के सारे कचरे इसी में जाते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी आबादी है आगे पीछे दोनों साइड में, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सब कुछ जाएगा। 7 लाख में नदी सफाई की सामने आई थी, क्या लगता है कि ये सफाई पूरी हो? 7 लाख में हुआ है। 7 लाख। अब देखिए इसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि हम जांच होनी चाहिए। जनता की उम्मीद है आपसे, आपकी बात से जनता समझेगी। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि जो है हमेशा आवाज उठाते हैं, तो आपको लगता है कि 7 लाख की सफाई हुई है? अब इससे पहले का हालात तो हमने देखा नहीं था। अभी 7 लाख की सफाई और 400 टेलर मिट्टी कहाँ गया नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि बहुत लग रहा है कुछ घोटाला हुआ है। नहीं, घोटाला हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम कि त्योहार एक बिजनेस बन गया है कमाने के लिए। अधिकारी हो कोई भी हो, कई वार्ड पार्षद के सदर से भी काम होता है अपने अपने क्षेत्र में। वार्ड पार्षद कहाँ से इसमें कोई रोल है जी?
हम लोग कई वार्ड कई आपके वार्ड में माटी गिर रहा है, माटी कितना गिरता है? छह टाली गिरा हुआ है। तो कहीं कहीं तो 200 टाली दिखा दिया गया, गिनती तो नहीं हमारे में छह टाली गिरा है। हम नहीं यहाँ का यहाँ का यहाँ का वार्ड कमिश्नर साहब बताएंगे, हर मोहल्ले में हमारे वार्ड में सवाल करने पे कुछ लोग का तीखा लग जा रहा है। क्यों नहीं आप वार्ड पार्षद है, आपने आवाज उठाई है? आवाज तो उठाई हूँ, अधिकारियों की नींद खुले और कम से कम तरह से काम करा रहे हैं। मैडम ठीक ही बोल रही हैं, जो भी काम हम लोग को चाहिए छठ पूजा में वैसा कुछ नहीं हुआ है। आपको आम आदमी को जो सुविधा मिलती है, आप जैसी लोग जब आते हैं तब जाके कुछ बेहतर होता है। हम तो यही कहते हैं कि शायद मैम ने आने में दो दिन देर कर दी, शायद और कुछ विशेष हो सकता था। आप लोग बुलाए नहीं इसलिए हम नहीं भाई देखिए तो चलिए हम अपने माध्यम से हिना मैडम को फिर न्योता देते हैं कि छठ के कल छठ है और कल अगर फुर्सत मिले मैम तो एक बार जरूर आइए उन छठवर्तियों के लिए जो आपका इंतजार कर। ये छठ घाट के पहले एक बार रिले कर दिया गया साल की बात मैडम का लगे लोगों के तो सफाई तरह हो। बिल्कुल होगा बिल्कुल अगले साल इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतजाम होगा। अच्छा चलिए छठ व्रत पर कुछ कमियां मांगने की बात है, हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपको कुछ मांगने की कहा जाए इस छठ घाट पर मैम क्या मांगेंगी सिवान के लिए और सिवान की जनता के लिए? अगर ऐसी बात है आस्था की बात है जो दोनों तरफ मेरी बहने हैं तो हम उन लोगों के लिए और सभी सिवान वासियों के लिए ये मन्नत मांगेंगे कि सिवान में विकास हो, सिवान की उन्नति हो, हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो, हमारी महिलाओं की जो हक है उसकी हकदारी को पूरी की जाए। चलिए तो देखा आपने हिना साहब ने।